क्लास 10 का यह डीडीआई क्वेश्चन 2023 के लिए यह है 5x-y = 5 और 3x-y = 3 का ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफ बनाना है। चलिए हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में क्या है। हम लोग सबसे पहले इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर जगह 5x-y = 5 इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर एक। 3x-y = 3 इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दो। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक से कर दीजिए, समीकरण एक से 5x-y = 5 इस देखिए माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, इसलिए y बराबर हो जाएगा 5x-5। अब थोड़ा सा केयर कीजिएगा, यह x हो जाता है, ये y हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा मान हम लोग रखना शुरू करेंगे। अब अगर x बराबर एक रखते हैं तो x में यहाँ पे 5x है, तो अगर हम x बराबर कितना रखें, 1, ये हम अपना अनुमान से मान रखते हैं जो हम लोग के सूटेबल अच्छा लग सके, या हम लोग क्या करें इसको बैठा लें। अगर x बराबर हम कितना मानते हैं, 1, तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। चलिए यहाँ पर करके देख लीजिए, 5x-5 = y है, y है तो 5 और x के मान हम कितना माने हैं, 1 माने हैं, 1-5 यहाँ पर कर देंगे, 5 एकम 5 - 5, 5 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0, 5 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0। तो अगर x का मान 1 रहेगा तो y के मान कितना आया है हमारा, 0, y के मान कितना आया है, 0। चलिए अब इसको हम लोग हटाते हैं, दूसरा को लेते हैं, जब x बराबर कितना हो जाएगा, 2, तो y बराबर 5x-5 है, तो 5 × 2 - 5, 5 × 2 = 10 - 5, 5 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5। अगर जब हम लोग का x का मान कितना होगा, 2, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। जब x का मान हो जाएगा 2 तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए आप लोग हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग चलेंगे समीकरण कितना से, समीकरण 2 से। 3x-y = 3 देखिए, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कर दो 3x-3 = 3, इसलिए y बराबर हो जाएगा 3x-3। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका मान रखते हैं, डाबा बना लीजिए, यहाँ पर हम लोग ने डाबा बना लिया, यह x होता है, ये y होता है। फिर हम लोग रखेंगे, जब x बराबर कितना रखेंगे, 1, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे जब, तो 3x-1 है, y बराबर है 3x का मान 1 है माइनस 3 है, यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 3 घटेंगे कितना हो जाएगा, 0। तो जब x का मान कितना रखेंगे, 1, तो y का मान कितना हो जाएगा, 0। और जब हम लोग x बराबर कितना रखेंगे, 2, तो x के जगह पर 2 रखिए, 3 × 6 = 6, तो 6 में से 3 घटेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो जब हम लोग x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देख लीजिए, ये हम लोग का हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, इसको हम लोग x, इसको हम लोग x डैश, इसको y, इसको सॉरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y डैश, इसको हम लोग बोलते हैं y, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इधर हम लोग 1, 2,
धर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ। याद रखिएगा जिधर x डैश होता है उधर हम लोग माइनस लेते हैं, जिधर x डैश होता है उधर माइनस, और जिधर डैश नहीं होता है उधर हम लोग प्लस लेते हैं। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच कितना हो गया छ। तो आप थोड़ा सा केयर कर लीजिए, यहाँ y डैश है तो y डैश की तरफ आप लोग को माइनस ले लेना है, क्या ले लेना है माइनस, ऊपर है y, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच कितना हो जाएगा छ। तब y में कहीं हम लोग क्या करना है माइनस नहीं लेना है, y डैश में माइनस लेना है, x में माइनस नहीं लेना है, x डैश में क्या लेना है माइनस लेना है। अब चलिए समीकरण एक से क्या था, x के मान एक y के मान कितना था जीरो, तो चलिए हम लोग x के मान एक लेते हैं और y के मान जीरो, तो यहाँ पे यहाँ जीरो यहाँ पे है और x के मान कहाँ है यहाँ पे है, एक बिंदु हम लोग को प्राप्त हुआ। देखिए x के मान कितना है दो, x के मान है दो, y के मान कितना है पाँच। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसके सामने यहाँ पे और इसके सामने यहाँ पे, x के मान कितना है दो, y के मान कितना है पाँच। अब हम लोग इसको मिलाते हैं, देखिए मेरे पास इतना बड़ा तो स्केल नहीं है, आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, टेढ़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। मेरे पास कोई बड़ा जगह स्केल नहीं है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है x y, अभी क्या गया x के मान कितना है, x के मान एक, y के मान जीरो, फिर यहीं पे आ गया है, x के मान कितना है दो, y के मान कितना है तीन, x के मान दो, y के मान कितना है तीन है। अब देखिए तो अब हम लोग का यही आ रहा है, अच्छा से खींचिएगा, हम लोग का फिगर जो है गलती हो जा रहा है, फिगर जो बना रहे हैं बार बार हम लोग डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ये यहाँ से आते हुए आएगा, ये फिगर हम लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फिगर यहाँ से कटते हुए आएगा, अब देखिए यहाँ से क्या हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे x के मान एक, y के मान कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे x के मान दो है, y का मान कितना है तीन है, यहाँ पर देखिए x का मान कितना है दो है और y का मान कितना है पाँच है। ये हम लोग का समीकरण क्या है, ये समीकरण है तीन x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा तीन, ये हम लोग का समीकरण है, और ये समीकरण है हम लोग का पाँच एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा पाँच। ये हम लोग का ये समीकरण एक है और एक ये समीकरण है, और इसका यह बिंदु जो कटान बिंदु है उसको हम लोग लिख लिए हैं। ऐसे हम लोग अगर करेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं आसानी से, VBI क्वेश्चन 2023 के लिए पाँच नंबर की ये आता है क्वेश्चन, पाँच नंबर आप लोग आसानी से अर्जित कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग थोड़ा सा सीधा बनाइएगा, हम लोगों के पास उतना बड़ा स्केल नहीं है कि हम लोग बना सके। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ओके। देखिए अब ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोग, ग्राफ इसका खींच लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 17, इसका दूसरा का इक्वेशन है 3x माइनस 2y बराबर कितना है 6। अब चलिए दो नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस y बराबर कितना है 2, 9x माइनस कितना है 3y बराबर 6, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स प्लस 2y बराबर कितना है 3, 4x माइनस 4x प्लस 3y बराबर कितना है 2। तो इसका आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा, ग्राफ खींच का अभ्यास कर लीजिएगा, ये इससे अलग कहीं नहीं आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे।